अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आप बाबा फ्री यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं फॉर डिफरेंट मेडिकल पोस्ट तो कैसे करेंगे, और उसमें जो मैक्सिमम यूज़र्स कैंडिडेट्स प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि वो अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड नहीं कर पा रहे, तो वो जो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे कैसे करेंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो उसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, सो डैट जो भी मैं आपको उसमें स्टेप्स बताऊंगा वो आप प्रॉपरली जान के अपने जो प्रॉपरली फॉर्म है वो फिल कर सकें। तो उसके लिए आप वेबसाइट पर जाएंगे VFUHS, यानी कि ये जो वेबसाइट है बाबा फ्री यूनिवर्सिटी की है, इस पर क्लिक करेंगे फर्स्ट लिंक पर जो उनका ऑफिशियल पेज है। तो यहाँ पर आप जब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको डिफरेंट लिंक्स मिलेंगे। तो यहाँ पर क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर ऑनलाइन, जो यहाँ पोस्टें हैं वेरियस पोस्ट अंडर पंजाब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, इस पर क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर आपका पेज ओपन होगा जिसमें डिफरेंट जो पोस्टें निकली हैं उनका यहाँ एडवर्टाइजमेंट होगा। लास्ट डेट इसकी 31 अगस्त है। तो यहाँ पर आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। तो देखिए इसमें कैसे आप रजिस्टर करेंगे, ऑनलाइन फ़ी पे करेंगे वो भी देख लीजिए, और जो एक एरर मैक्सिमम यूज़र फेस कर रहे हैं वो भी देख लीजिए। सो सबसे पहले हम यहाँ पर नाम फिल करेंगे, फादर्स नेम फिल करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, उसके बाद जेंडर आ गया, आधार कार्ड नंबर हो गया, उसके बाद मोबाइल नंबर हो गया। ये जो मोबाइल नंबर है, अगर आप प्रॉब्लम कोई फेस कर रहे हैं इस मोबाइल नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और यहाँ पर मैंने अपना एड्रेस दे दिया। डिस्ट्रिक्ट आपकी होगी, ईमेल आईडी होगी आपकी, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर हैं जो वो प्रॉपरली फिल करिएगा, सो डैट अगर इन फ्यूचर कोई आपको उन्होंने मैसेज वगैरह करना तो आपके कॉन्टेक्ट कर सकें। और यहाँ पर जो भी आपने पोस्ट फिल करनी है, जैसे वार्ड अटेंडेंट की है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो ऑटोमेटिक शो कर देगा कि कौन कौन से जो क्वालिफिकेशन है उस पोस्ट के लिए बनती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ आपकी कैटेगरी सबसे मेन देखिए, आपकी कैटेगरी, अगर आपने कैटेगरी गलत चूज़ कर दी तो उसके अकॉर्डिंग आपकी फ़ीस होगी, उसमें आप कोई एडिटिंग नहीं कर सकते। यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपने कैटेगरी गलत फिल कर दी है और आपने फॉर्म फिल कर दिया तो उसका सलूशन कैसे करेंगे वो भी आप मुझे व्हाट्सअप करके उसका सलूशन ले सकते हैं। तो कैटेगरी हमारी जनरल है, हमने चूज़ कर ली, कैटेगरी अकॉर्डिंग जो फीस बनती है डेट वन इज़ 590। क्वालिफिकेशन आप ऐड करेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन गलत हो जाएगी प्रॉब्लम नहीं है, जैसे यहाँ 10th, तो यहाँ पर फिल कर दीजिए। उसके बाद स्कूल इंस्टीट्यूट आप फिल करेंगे, सिंपली CBSE कर दिया। कितने मार्क्स आए, 500 में से कितने मार्क्स आए, 450। ईयर ऑफ पासिंग कौन सा था वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे, ईयर ऑफ पासिंग जो आपका था। और ये डिटेल फिल करने के बाद एक बार थॉरली चेक करिएगा, बाकी डिटेल हमारी सारी डन है, एक बार इसको प्रॉपरली वेरीफाई करिए, स्पेशल ईमेल आईडी, आपका डेट ऑफ बर्थ ऑन। तो देखिए जब मैं इसको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरा एरर मैसेज हो गया। अब देखिए यहाँ पर एरर तो आ गया, लेकिन यहाँ पर ये एरर नहीं शो किया कि एरर आपका है कहाँ। तो देखिए अगर ये भी आप सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो एरर आपका होता है डेट ऑफ बर्थ में, यहाँ पर आपको स्लैश देना पड़ेगा। अगेन मैं यहाँ पर फिल करता हूँ, फ़ोन नंबर ध्यान से देखिएगा, फ़िलहाल ठीक है, इस पर मैं सब कुछ डन करके सेव कर देता हूँ। और यहाँ पर फिर से कोई एरर देख लेते हैं क्या है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो एक बार मैं फिर से डेट ऑफ बर्थ फिल कर देता हूँ, सबसे पहले डेट है, उसके बाद ईयर है, मंथ है, उसके बाद ईयर है। तो बाकी डिटेल फ़िलहाल सारी डन है, डिस्ट्रिक्ट वगैरह सब कुछ डन है, वार्ड अटेंडेंट सब कुछ डन है। और हम यहाँ से प्रोसीड, सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये एरर अगर बार बार आपका शो कर रहा है, डैट मीन्स कोई आपकी फील्ड यहाँ पर उनकी नीड के अकॉर्डिंग नहीं है। नेम ठीक है, फादर नेम ठीक है, डेट ऑफ बर्थ में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो मैंने आपको बता दिया कैसे ठीक करेंगे। आधार कार्ड नंबर हमने ठीक कर लिया। तो यहाँ पर अगेन मैं सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर जो हमारा डाटा है सब कुछ डन हो गया। अब देखिए जो आपका आधार कार्ड अगर गलत होगा, गलत मीन टू से कि देखिए सर्वर से तो लिंक करेगा आपका आधार कार्ड, जो बैकएंड सर्वर, आपको पता आजकल आधार कार्ड ऑनलाइन हो गए, लेकिन वहाँ पर आपका एरर मैसेज नहीं शो करेगा। ये जो सामने एरर मैसेज शो कर रहा था वो आपका आधार कार्ड और डेट ऑफ बर्थ के कारण शो करता है, वो आप करेक्ट कर लेंगे।
मैसेज आपके फ़ोन नंबर पर आ जाएगा। सो मैसेज मुझे आ गया, मैं यहाँ से कैंडिडेट लॉगिन करता हूँ। जब आप कैंडिडेट लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना पड़ेगा जो आपके फ़ोन पर आएगा। कई बार आपके फ़ोन पे नहीं आता तो आप अपनी ईमेल आईडी चेक कर लें, उस पर आ जाएगा। उसके बाद पासवर्ड भी आपके फ़ोन पर आ जाएगा। पासवर्ड आपका जो है वो कैपिटल में होगा। सो उसको जैसे ही आपका पासवर्ड आया है वैसे ही आपने फिल करना है। सो मैंने सब कुछ फिल करके यहाँ पर लॉगिन कर लिया। लॉगिन फिल करने के बाद सब कुछ, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी फ़ीस के पे करनी पड़ेगी। कैसे पे करेंगे? ऑनलाइन और आप ऑफलाइन नहीं कर सकते बिकॉज इसमें ऑनलाइन ही है। तो आप यहाँ पर दो गेटवे हैं, कोई भी गेटवे का यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने फ़र्स्ट गेटवे चूज़ किया। उसके बाद आपकी डिटेल शो करेगा। यहाँ से आप पेमेंट बाद में भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि अभी आपने फिल किया अभी पेमेंट कर दें। 31 से पहले पहले जब मर्जी पेमेंट कर दीजिए। तो क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करिए। जब आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं, कार्ड से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग? सो मुझे कार्ड से करना है, जो डेबिट कार्ड होता है, एटीएम कार्ड। तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, यहाँ से डेबिट कार्ड चूज़ कर लेते हैं। यहाँ से आपका कार्ड कौन से आपके कार्ड पर लिखा होगा, रुपे या वीज़ा या मास्टरियो है। सो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, मास्टर कार्ड है मेरा, तो मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको अपनी डिफरेंट डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी और इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, जितनी फ़ीस है उतनी लगेगी, कोई बैंक चार्जेस वगैरह नहीं है। तो ये सारी डिटेल फिल करके जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपको ओटीपी आएगा। ओटीपी फिल करने के बाद आपकी जो फ़ीस है वो हो जाएगी। फ़ीस होने के बाद आप क्या करेंगे, अपनी सारी डिटेल वगैरह फिल कर देंगे। उसके बाद आपकी फ़ोटो वगैरह, एक्सपीरियंस वगैरह, तो जो भी आपकी पूरी डिटेल्स है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। एप्लीकेशन करेंगे एडिट, उसमें एजुकेशनल अपलोड फ़ोटो साइन करेंगे। उसके बाद एक्सपीरियंस है ऐड कर दीजिए, नहीं है कोई बात नहीं है। अपनी एकेडमिक डिटेल फिल करेंगे। पब्लिकेशन है ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं है। पासवर्ड जो आपको आया वो आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस है आपका तभी एक्टिवेट होगा जब आपकी फ़ीस पे हो जाएगी। अब जिसमें एरर की बात कर रहा था उसका सोल्यूशन देख लीजिए। जब मैंने सारा फॉर्म फिल कर लिया, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर मैंने क्लिक किया, तो मैक्सिमम यूज़र्स ये एरर फेस कर रहे हैं, काइंडली प्रिंट योर एप्लीकेशन आफ्टर कट ऑफ। तो ये जो आपका एप्लीकेशन है प्रिंट कब होगा इसका सोल्यूशन जान लीजिए। आफ्टर लास्ट डेट, लास्ट डेट कब है, 31st। 31st के बाद ऑटोमेटिक ये जो आपका फॉर्म है एडिटेबल हो जाएगा। आप इसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं और अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आपका फॉर्म अभी फिलहाल बाय डिफॉल्ट लॉक्ड ही है, तो जब भी इसकी करेक्शन वगैरह आती है वो मैं जल्दी ही वीडियो अपलोड कर दूंगा। फिलहाल अगर आपके भी एरर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैक्सिमम यूजर्स के, सभी के, नॉट मैक्सिमम, सभी के सेम ही एरर आ रहा है बैकएंड से ही, उन्होंने ऑटोमेटिक लिंक इनेबल कर दिया है। काइंडली प्रिंट योर एप्लीकेशन आफ्टर कट ऑफ डेट, डेट वन इज 31st of August। तो उसके बाद आपका ये एरर ठीक हो जाएगा। तो अगर आपका भी एरर आ रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं है, सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया, 31st के बाद सोल्यूशन हो जाएगा। इसके रिगार्डिंग और भी कोई भी आपकी क्यूरी या क्वेश्चन है, या कोई मैं स्टेप आपको एक्सप्लेन करने भूल गया, जो आपको लगता है कि ये स्टेप हमें जानना चाहिए, तो वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके उसका सलूशन पूछ सकते हैं। बाकी मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर बता ही दिया, वीडियो को पॉज करके वहाँ से मेरा व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम और जो हमारा फेसबुक अकाउंट है वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप डायरेक्टली फिल करके पेज पे मूव करके वहाँ पर भी अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो कि अगर आपने बाबा फ्री यूनिवर्सिटी की जो डिफरेंट मेडिकल पोस्टें निकली हैं उसके लिए जो आपका फॉर्म है कैसे फिल करेंगे, जो गवर्नमेंट पोस्टें हैं पंजाब गवर्नमेंट की इन मेडिकल डिपार्टमेंट, तो कैसे फिल करनी है, सेम जो मैंने जो वार्ड की यहाँ अटेंडेंट की पोस्टें बताई हैं वैसे ही आप जो डिफरेंट पोस्टें हैं उनको भी फिल कर सकते हैं। स्टेप सेम है, सब कुछ सेम है, बस ये है कि आपकी जो डिग्री है वो आपको वहाँ पर फिल करनी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने टेंथ किया तो टेंथ के बेस पर वैसी डिग्री फिल करनी होगी, ग्रेजुएशन उसके अकॉर्डिंग करनी होगी, पोस्ट ग्रेजुएशन है उसके अकॉर्डिंग करनी होगी। सो जैसे भी आपकी डिग्री है उसके अकॉर्डिंग आपको ये सारा प्रोसेस करना होगा। करने में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और साथ के साथ हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर करिएगा, बिकॉज ये जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स फेस कर रहे हैं, सो डैट उनको भी इस प्रॉब्लम का सलूशन मिल सके और वो जो अपना फॉर्म है उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आफ्टर 31st उसको डाउनलोड कर सकें और एडिटिंग वगैरह कर सकें। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर अवेलेबल टाइम।